नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अम के गार्डनिंग एंड फार्मिंग पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में जो आप देख रहे हैं फाइकस का पौधा है। फाइकस की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें पत्तों का कलर और डिज़ाइन अलग अलग होता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा फाइकस के एक पौधे से आप अनेक पौधे किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आपके पास या आपके किसी साथी के पास फाइकस का पौधा लगा हुआ है तो उससे आप बड़ी आसानी के साथ अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो करें आप जुलाई अगस्त के महीने में या जनवरी फरवरी के महीने में, आपका पौधा कटिंग से बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर भी एक रिस्क रहता है कटिंग के सूखने का। और दूसरा तरीका दोस्तों, एयर लेयरिंग से। एयर लेयरिंग अन्य पौधों पर हम करते हैं तो ऊपर की छाल हटाते हैं, लेकिन फाइकस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइकस के पौधे पर आप बिना छाल को हटाए हुए भी एयर लेयरिंग तैयार कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आप छोटा सा काम करना है कि जैसे फाइकस का पौधा है, फाइकस के पौधे के ऊपर हम आपको दिखाता हूँ, अपने आप जड़ें बनने शुरू हो जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जड़ें बन रही हैं। इस तरह से जड़ें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको नहीं तो इसकी छाल हटानी है, नहीं इसको कोई कट बनाना है। आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा तरीका है। आप मिट्टी ले लें, गोबर की खाद ले लें या आप कोकोपीट ले लें, उसको आप सीधा इस पर लगाकर, जहाँ पर भी ये जड़ें बनी हुई हों उस हिस्से पर लगाकर आप लपेट कर छोड़ दें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें सफ़ेद जड़ें बनना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह से आपकी भी अगर एयर लेयरिंग करेंगे तो उसके अंदर 10 से 15 दिन में जड़ें विकसित होना शुरू हो जाएंगी। 30 से 40 दिन के बाद दोस्तों आप उसको कट करके ज़मीन या गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी तक इस तरह की अच्छी जानकारी पहुँचे। एक पौधे से आप अनेक पौधे बड़ी आसानी के साथ तैयार कर पाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी तरह की अच्छी जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।